पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। खुद खाना जी ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सैनिक, अभी इसी क्षण बंदी बना लिया जाए इन्हें। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मुझसे किसी को छीनने नहीं दूंगा तारा। जीतने के लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। आपकी याददाश्त जा चुकी है, हमें कोरी तख्ती पर नए सिरे से आपके साथ अपनी प्रेम कहानी लिखेंगे। आपने हमसे कहा था कि आप हमसे अपने प्राणों से अधिक प्रेम करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। आपका प्रेम ही तो है कि हम मृत्यु के द्वार से जीवित लौट आए। आपका प्रेम जीत गया, हमारा प्रेम जीत गया। हम आज ये प्रार्थना करते हैं कि आपका और हमारा ये साथ जन्मों जन्मांतर तक चलता रहे। सिंदूर के लायक नहीं हूं मैं हुकुम। सुहागन होते हुए भी अपने ही पति के प्राण लेने की कोशिश की है मैंने। आपकी पत्नी बनने के लायक नहीं हूं, माफ कर देना हुकुम। इसमें आपकी कोई भूल नहीं है रानी सर। आपको डराया धमकाया जा रहा था, हम जानते हैं। और फिर आपकी याददाश्त जा चुकी थी, जब आपको कुछ याद ही नहीं तो आपकी भूल कैसे हो सकती है। ये आपका बड़प्पन है हुकुम, पर गलती तो मारी ही थी। मैं जानती हूँ कोई भी पतिव्रता पत्नी भूल कर भी, जाने अनजाने में भी पति पर हमला नहीं कर सकती, परंतु मैंने किया हमला। इसका अर्थ यह है कि मारे में ही कोई कमी रही होगी। शायद मैं इतनी समर्पित पत्नी कभी थी नहीं जितना हमारे को होना चाहिए था। मैं अपना पतिव्रता धर्म निभाने में असफल रही हूँ। मैंने केवल आप पर हमला ही नहीं किया, मैं अपना धर्म निभाने में और भी चूक की है। कैसी चूक? किसी पराए मर्द को, ध्रुव जी को अपना समझ लिया मैंने। कृष्ण के रूप में पहली बार मारे को मंच पे दिखे थे, तभी ऐसा एहसास हुआ जैसे मारी कोई कड़ी जुड़ी हुई है उनसे। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में अकेला नहीं छोड़ सकता। इन आंखों में तुम्हें तुम्हारे हर क्यों का जवाब मिल जाएगा। पता नहीं क्यों उनकी बातें सुन के उनके पास जाके ऐसा एहसास होता है जैसे एक अजीब सा विश्वास, एक अजीब सा सुकून। आपसे समझ हो गई थी हमारे हुकुम। मारे को पता है ये पाप है। आपकी पत्नी हूँ मैं, देवगढ़ की रानी सा हूँ। आपकी पत्नी होने के नाते एक पराया पुरुष मारा दोस्त कैसे हो सकता है? नहीं होना चाहिए। इससे तो एक ही बात साफ होती है, मारे चरित्र में ही खोट है। नहीं निभा पाई अपने पत्नी होने का धर्म मैं हुकुम। मारे को माफ कर देना। दुनिया को यही पता है, देवगढ़ की रानी सा आपकी पत्नी ऊंची चट्टान से गिरकर मर गई। आप मरे रहने दीजिए मारे को, पत्नी के नाम पर मत अपनाइए। अपने मन के साथ समझौता मत कीजिए हुकुम, मत कीजिए।
ये कौन सी कड़ी है जो ध्रुव तारा को इतने कस के जुड़ी हुई है कि मृत्यु भी उसे तोड़ नहीं पाती। पर आज ऐसे ही कभी न टूटने वाला रिश्ता हम भी आपके साथ बनाकर रहेंगे और आपको अपने समीप लाकर रहेंगे रानी साहब। के साथ जिस जुड़ाव की अनुभूति आपने की उसमें आपका कोई दोष ही नहीं। आप जानती हैं शौर्य बना ध्रुव को क्या कहकर बुलाते हैं? जादूगर कहते हैं उन्हें, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण है जो हर किसी को प्रभावित कर देता है। इसीलिए शौर्य बना भी उनके ओर खींचे चले गए। मीनाक्षी को प्रेम हो गया उनसे, हमने भी मित्र मानकर सलाहकार बनाकर इस महल में रहने दिया। अपनी बातों से हर किसी को आसानी से मोहित कर लेते हैं, आपको भी कर लिया। आपको अपने मन में ग्लानी बोध लाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप इंसान नहीं है हुकुम, आप देवता हैं। आपका मन, आपकी सोच, आपका दिल बहुत बड़ा है। इतना सब हो गया फिर भी हमारे को अपना रहे हैं। हमने तो पहले ही आपको अपना लिया था, आपकी मांग में सिंदूर भर के सातों जन्म साथ निभाने का वचन दे दिया था। आज फिर से ये सिंदूर भर के उस वचन का पुनः नवीकरण करना चाहते हैं। आज्ञा दीजिए। यदि ऐसा है तो भर दीजिए हमारी ये मांग सिंदूर से। आपको अनुमति भी है और आपका अधिकार भी है। बाप, सत्यानाश कर दिया, क्या किया है तुमने? सारा सिंदूर मारे तारा, अपनी आंखें और दिमाग खोल कर देखो, ये मैंने नहीं किया, ये सब कान्हा जी ने किया है। वो चाहते थे कि ये सिंदूर मेरे हाथों से छूकर मारी मांग में सच, ये इसलिए हुआ है। और तारा, कान्हा जी की लिखी हुई कोई भी चीज मिटाई नहीं जा सकती। कान्हा जी ने खुद हमारा रिश्ता बनाया है, उन्होंने हमारा नाम खुद पत्रिका में लिखा था। याद करने की कोशिश करो। भाई के बिना कोई नियम होते हैं, तरीके होते हैं। वो प्रेम ही क्या जिसके आड़े नियम आ जाए ध्रुव, वो प्रेम ही क्या जिसके आड़े नियम आ जाए। हमें अपनी रानी सा और अपने शौर्य बने के साथ परिवार बनाने से अब कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए यदि हमें झूठ बोलना पड़े तो हम बोलेंगे, परायों से क्या अपनों से लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, और यदि किसी का लहू बहाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। Oh! Oh! Oh!
तुम जैसा रावण भी एड़ी चोटी को जोर लगा करके ध्रुव तारा को जुदा नहीं कर सकता। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।